मुंबई की फिल्म सिटी में स्टार प्लस के शो इमली की शूटिंग के दौरान करंट लगने से महेंद्र यादव की मौत हो गई। महेंद्र यादव शूटिंग में लाइट मैन का काम करते थे और उनकी 23 साल उम्र बताई जा रही है। पोस्टमार्टम के बाद उनके पार्थिव शरीर को उनके गांव गोरखपुर भेजने की तैयारी चल रही है। सीरियल में काम करने वाले मजदूरों की सेफ्टी के लिए बातें तो होती रहती है, लेकिन इस विषय में ना तो फिल्म सिटी प्रशासन गंभीरता से विचार कर रही है और ना ही शो और फिल्म के निर्माताओं की तरफ से कोई ठोस कदम उठाया जा रहा है। मजदूरों के हितों में काम करने वाली मुंबई फिल्म इंडस्ट्रीज में कार्यरत संस्थाएं अपने वर्कर्स की सुरक्षा को लेकर प्रोडक्शन हाउस और फिल्म सिटी प्रशासन को बार बार अवगत कराती रहती है, लेकिन कभी भी इस मामले में गंभीरता से विचार नहीं किया गया। फिल्म फेडरेशन के अध्यक्ष बीएन तिवारी कहते हैं कि मृत्यु हमारी संस्था का सदस्य भले ही नहीं था, लेकिन वह हमारे बीच का ही सदस्य है। अभिजीत राणे ने कहा कि मैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी से मांग करता हूँ कि सीरियल की निर्माता प्रोडक्शन हाउस फॉर लाइन इन फिल्म्स पर और स्टार प्लस पर मुकदमा दर्ज हो, मृतक के परिवार वालों को 50 लाख रुपए दिए जाए। गोरेगांव फिल्म सिटी में एक हिंदी सीरियल चलता है जिसका नाम है इमली। कल उस सेट पर शाम को 5 बजे एक मजदूर की करंट लगने से जान चली गई। उसका नाम महेंद्र यादव था, वो महज 23 साल का था। कुछ मजदूर ने सेट पर जो काम करे थे उसके साथ उन्होंने बताया कि वो 5-10 साल यहाँ काम कर गांव जाकर रहना चाहता था, वहां काम करना चाहता था। फिल्म सिटी में हर महीने ऐसे हादसे हुए जा रहे हैं। सेट पर आग लग रही है, कई सेट पर तेंदुआ आ जा रहा है, सेट पर करंट लगने से जान जा रही है। प्रशासन के लोग लगता है कि उनको ऐसा लगता है कि फिल्म सिटी के मजदूर कीड़े मकोड़े। कभी इन्होंने कोई ठोस कदम वहां के सिक्योरिटी और सेफ्टी पर नहीं उठाया, अनदेखा करते गए। ऐसे आगे भी कई जाने जाएंगे, उसका जिम्मेदार कौन होगा? इसलिए मैं ऑल इंडियन सीनियर वर्कर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष होने के नाते फिल्म सिटी के मैनेजिंग डायरेक्टर और कामगार आयुक्त का तत्काल प्रभाव से इस्तीफा मांगता हूं। और मैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी से मांग करता हूं कि जिसकी जान गई है मजदूर की, उसके घर वाले को 50 लाख रुपए मिले और प्रोडक्शन हाउस प्रोड्यूसर और चैनल के ऊपर मनीष सुवाद बटर का मुकदमा दर्ज हो और जिन अधिकारी इनमें सब जिनके सहयोग से दिन दहाड़े गैर कानूनी तरीके से शूटिंग चल रही है, इनका तत्काल प्रभाव से इस्तीफा लिया जाए। किसी न किसी को तो जिम्मेदारी लेनी होगी। धन्यवाद।